हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास टेंथ का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नावली 4.4 जो है द्विघात समीकरण का अंतिम एक्सरसाइज, यानी प्रश्नावली जो है अंतिम है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, ठीक है। इसे कंसेप्ट को समझेंगे और ये दिमाग में याद कीजिएगा कि ये बिहार बोर्ड में 100% आता है 1 और 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से 100% आना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। लिख लीजिए कॉपी में कि इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो चले, और एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति के लिए। तो स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग इससे पहले अगर 4.3, 4.2, 4.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जाइए उसको देख के आइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए एकदम मजा आने वाला, आइए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समझिए पहले कि मूलों की प्रकृति होता क्या भाई, पहले इसको जानना चाहिए हम लोगों को। आइए जानते हैं और कुछ सवाल लगाते हैं, आप लोग इसको स्वयं कीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए, मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग जानते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए देखा जाए, अब सुनिए। विवेचक जानते हैं, विवितकर, विवेचक या विवितकर जानते होंगे। आइए, विवेचक या विवितकर, विवितकर जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला जो होता है इसका b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac। अब सुनिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, सॉरी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये तो मालूम होगा आप लोगों को। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मालूम होगा आप लोगों को, क्या होता है अगर बताएंगे, x² + bx + c = 0, a² + bx + c = 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ए होता है, एक्स का गुणांक जो होता है बी होता है, और अचर पद जो होता है वो सी होता है, ठीक है। अब चलिए सुनिए ध्यान से, हमको b² - 4ac निकालना है, हमको विवेचक निकालना है, हमको विवितकर निकालना है। अगर इसका मान धनात्मक आ गया तो कहेंगे मूल जो है वो वास्तविक और असमान है। मूलों की प्रकृति जो है वो क्या है, वास्तविक और असमान। अभी सुनिए, नोट करना है, हम देंगे लिखेंगे भी। अगर b² - 4ac निकालते हैं, यानी विवेचक निकालते हैं, यानी विवितकर निकालते हैं, अगर 0 आ गया तो कहेंगे मूलों की प्रकृति जो है वो क्या है, समान है। क्या है, मूलों की प्रकृति जो है वो क्या है, समान है, मूल बराबर है, या वास्तविक और समान कह सकते हैं, या वास्तविक और बराबर कह सकते हैं, ठीक है। चले आगे और सुनिए, चितार कहवे नहीं किए, तीनों को नंबर आ सकता है भाई, एगो धनात्मक, नहीं तो एगो ऋणात्मक, और नहीं तो एगो 0। हमने तो धनात्मक बता दिया, हमने 0 बता दिया, ऋणात्मक क्या होगा। अगर विवेचक निकाले, विवितकर निकाले, या b² - 4ac निकाले, अगर उसका आंसर ऋणात्मक आता है तो मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक नहीं। फिर समझिए, अगर हम विवेचक निकालते हैं, विवितकर निकालते हैं, b² - 4ac निकालते हैं, अगर 0 आता है तो कहेंगे मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक और समान है, या वास्तविक और बराबर है। अगर धनात्मक आता है तो कहेंगे वास्तविक और असमान है, मूलों की प्रकृति। अगर ऋणात्मक आता है तो कहेंगे हम लोग कि मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक नहीं है। आइए लिखते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर में नोट कर लीजिएगा इसको कि b² - 4ac = 0 आ जाए,
अगर हम निकालेंगे कोई हमको द्विघात समीकरण मिलेगा, ऐसे ही कोई द्विघात समीकरण मिले, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर अगर जीरो, इसका आंसर जीरो आ जाए, तो कहेंगे मूलों की प्रकृति जो है, तो कहेंगे हम लोग कि मूलों की प्रकृति जो है क्या है, वास्तविक और समान है, या क्या कहेंगे, वास्तविक और बराबर है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इससे अगर निकालते हैं, अगर आंसर जीरो आ गया, तो मूलों की प्रकृति अगर पूछता है तो कहेंगे वास्तविक और समान है या वास्तविक और बराबर, बात बराबर लिख के पड़ता है। दूसरा आइए, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से छोटा जीरो, से छोटा जीरो मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब क्या, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो अगर इसका पूछोगे मूलों की प्रकृति, तो हम लोग क्या कहेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से अगर बड़ा है तो उसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, या कहते हैं वास्तविक और भिन्न, या कहते हैं इसको वास्तविक, वास्तविक और भिन्न, ठीक है। चले आगे, आइए तीसरा नंबर, लास्ट नंबर देखिए इसको, भाई हम डायरेक्ट सवाल बनाते रटा दे, क्या है उससे, दो मिनट में बन जाता सवाल, इतना इजी क्वेश्चन है इसको, लेकिन फील अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए सब में महसूस आया होगा, आप लोगों को सब में फील आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको आंसर क्या देना है, तभी तो भाई पढ़ाई का मजा है, क्या रटने तो कितना रट सकते हो। आइए, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से बड़ा जीरो हो या जीरो से छोटा हो, तो जीरो से छोटा कोई संख्या होता है, होता है, ऋणात्मक ना होता है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस दस माइनस बीस, तो इसको हम मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, या मूलों का अस्तित्व नहीं, या मूलों का अस्तित्व नहीं, ठीक है। चले आगे, अब सुनिए सवाल ले लेते हम लोग, दो पहले कर लेते हैं, आइए आपको हम सवाल अपना मन से देते हैं यहाँ पे, कि दो एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स, सॉरी माइनस चार एक्स प्लस आठ बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति बताइए। इसमें तो कहा कि जिसका अस्तित्व हो उसको मूल भी निकालना है, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ आप मूलों की प्रकृति बता दीजिए, एक बार और सुनिए, दिमाग में बैठा लीजिए, अगर जीरो आता है तो क्या कहेंगे, वास्तव मूल जो है वास्तविक और असमान है, सॉरी अगर जीरो आता है तो हम क्या कहेंगे, जो मूल के जो मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक और समान है या वास्तविक और बराबर है। अगर धनात्मक आ गया, एक दो तीन चार पांच दस बीस पचास धनात्मक संख्याएं अगर आ गई, तो हम कहेंगे मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक और असमान है। जीरो आया तो समान, वास्तविक और समान, या वास्तविक और बराबर, एक दो तीन धनात्मक आया तो वास्तविक और असमान, ऋणात्मक आया तो वास्तविक नहीं, आ गए, आइए लाइन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले विवेचक निकालना पड़ेगा, विवेचक मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर एस निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ए बराबर क्या होगा, दो, बी बराबर माइनस चार, सी बराबर आठ, तो हम लोग निकालते हैं विवेचक, क्या निकालते हैं विवेचक, आ रहा होगा समझ में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान माइनस चार का स्क्वायर, माइनस में चार, ए के मान कितना है आपका दो, गुने कितना हो जाएगा आठ, माइनस चार का स्क्वायर कितना होगा, चार चौका सुन लो, आई माइनस में चार दूना आठ, आठ हटे चौसठ, भाई पहले आ गया माइनस में ना, माइनस में अड़तालीस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक, वास्तविक नहीं, क्या कहेंगे, वास्तविक नहीं है, क्या कहेंगे, वास्तविक नहीं है। आइए दूसरा सवाल देते, भाई सब में वही एबीसी मानना है, बी स्क्वायर माइनस फोर से निकालना है, अब बस बता देना है कि अगर माइनस में आ गया, माइनस में मतलब क्या, कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक ये, कोई भी संख्या अगर धनात्मक आ गया, अब कोई भी संख्या अगर जीरो आ गया, ठीक है, चलिए कोई भी संख्या नहीं, बी स्क्वायर माइनस फोर सी के मान, बी स्क्वायर माइनस फोर सी के मान धनात्मक,
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान ऋणात्मक, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो। ठीक है, आइए एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए। हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स और प्लस में लेते हैं चार बराबर में जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चले आगे। आइए ध्यान से देखिए, ए बराबर क्या होगा, एक, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं एक है। बी बराबर कितना होगा, माइनस आठ। सी बराबर कितना होगा, चार। तो हम लोग विवेचक निकाल ले, विवेचक निकाल ले, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर बी के जगह कितना, माइनस आठ का स्क्वायर, माइनस चार गुने ए के मान एक गुने सी के मान चार, तो कितना माइनस आठ का स्क्वायर चौसठ, माइनस चार का सोलह, यानी हो गया अड़तालीस। यानी आ गया हमको धनात्मक, क्या गया, धनात्मक। तो धनात्मक हमको अगर आ गया तो क्या होगा, वास्तविक और असमान लिख दीजिए, या वास्तविक और भिन्न क्या लिखिएगा, वास्तविक और असमान, या कोने क्यों लिखना भाई, भारतीय वन में आपको यह दिखेगा असमान, एनसीईआरटी में यह दिखेगा वास्तविक और भिन्न। एनसीईआरटी में आपको ये क्या कहते हैं, दोनों तो एनसीईआरटी में दिखता है और दोनों भारतीय वन में दिखता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया क्लियर। एक और सवाल करा दे, जीरो आ जाए, जो जीरो आ जाए, कहां करा दे, इसको पहले मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ले लिए, चलिए बैठ करके ले लो भाई, कितना समय लगेगा, क्वेश्चन नंबर दो को भी करना है, एक को भी करना है। क्या, आइए हम लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर और कितना ले, माइनस आठ एक्स चौसठ, चार चौका सोलह, यहाँ लेते हैं दो एक्स स्क्वायर, यहाँ लेते हैं आठ, आठ चौक बत्तीस, दूना चौसठ, चलिए बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। आइए तो ए बराबर दो, बी बराबर माइनस आठ, सी बराबर आठ, तो विवेचक निकाल लेते हैं। विवेचक निकालना है, मूलों की प्रकृति जहां पूछेगा, विवेचक निकालना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान माइनस आठ, स्क्वायर करके माइनस चार गुने ए के मान कितना दो, अब बी सी के मान कितना आठ, सी के मान कितना आठ का स्क्वायर चौसठ, और माइनस चार गुना आठ चौसठ, कितना आ गया जीरो। तो जीरो आ गया, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो आ गया, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान कहेंगे, या वास्तविक और बराबर कहेंगे, वास्तविक और समान कहेंगे, या इस जगह पे बराबर लिख देंगे, वास्तविक और बराबर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए क्वेश्चन, तो नहीं बनाते हैं नहीं ले तो भाई बैक कीजिए, बैक करके स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, सो बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, पूरा आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अब देखिए, इसमें कहा कि मूलों की प्रकृति बता देना है, अगर मूल का अस्तित्व हो, यानी कि अगर ये आ जाए, ये आ जाए, मूलों का अस्तित्व है, वास्तविक और समान आ जाए, या वास्तविक और असमान, या वास्तविक और भिन्न, तो हम लोग मूल निकालेंगे आगे, अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। आइए तो पहला सवाल तो हम लोग कर लेते हैं, आइए दो एक्स स्क्वायर माइनस में तीन एक्स प्लस पांच बराबर जीरो, ए बराबर दो, बी बराबर माइनस तीन, सी बराबर पांच, ज्यादा स्पीड तो नहीं ना हो रहा है भाई, नहीं ना, चलिए आइए देखिए, इतना टेंथ में नहीं कवर करेगा तब कभी करेगा, अब ये पहला के पड़ेगा, चलो आइए। हाँ तो अब क्या निकालना है, विवेचक, क्या निकालना है, विवेचक, थोड़ा ज्यादा स्पीड हो जाते हैं, ठीक है, चलिए विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इंटू स्पीड कम करके देख लीजिए, ठीक है, चलिए तब बी का मान माइनस तीन, माइनस में चार, आई गुना में ए, ए के मान दो, गुना में सी, सी के मान पांच, तो माइनस तीन का स्क्वायर, अरे भाई माइनस तीन का स्क्वायर माइनस तीन गुना माइनस तीन नहीं होगा, तो तीन तिहाई माइनस माइनस प्लस नौ, तीन तिहाई हो गया प्लस नौ, माइनस चार गुना आठ, आठ पंच चालीस, पहले ही आ गया माइनस में इकतीस, यानी वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं है, मूलों की प्रकृति या लिखा मूल नहीं लेगा, या इसको लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, या लिखो ना भाई मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसके सो लिया जाए, मिटा दे इसको, ले लीजिए, चलिए
स्क्रीनशॉट लेने का समय मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या 3x² - 4√3x + 4 = 0। ए बराबर 3, बी बराबर -4√3, सी बराबर 4। अरे भाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है बी, अचर पद होता है सी। का समझे बात को, आइए आगे देखिए। तो विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होगा। बी स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4 × a = 3 और c = 4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ना समझे, 4√3 को गुना कीजिए 4√3 से, तो √4 को 4 से करेंगे 16 और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3। √3 को √3 से तो कितना आएगा √9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो वही होगा 3, 16 + 3 = 48 ना हो जाएगा। आइए आगे देखिए, 4 + 3 = 12, 12 + 4 = 48, यानी 16 + 48 - 48, वाह ये हो गया 0, ये हो गया 0। अच्छा एक चीज और नहीं पढ़े हैं, अगर वास्तविक और समान हो मूलों की प्रकृति तो इसका मूल क्या होगा। अगर मूलों की प्रकृति, इसको लिखेंगे मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या लिखेंगे बराबर है या समान है, तो जब मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर होता है या वास्तविक और समान होता है, तो इसका जो मूल होता है वो मूल जो होता है वो क्या होता है -b/2a, आई हो -b/2a होता नहीं है। आइए तो माइनस का माइनस, बी के मान कितना है भाई, माइनस में 4√3 और बटा में 2a, तो 2 × a = 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, दोबारा लिखना है माइनस माइनस +4√3 और बटा में द्वितीय 6, द्वितीय 6 ये कट ही जाएगा, कला द्वितीय 6 करेंगे, चल कुछ नहीं 6, ये 2 × 4 द्वितीय 6 2 × 4 ऊपर हो गया 2√3 और नीचे हो गया 3, और कुछ आएगा अब कुछ कटेगा कटेगा रुधि, ये जो 3 जो लिखे हैं 3 में 2√3 छिपा हुआ है, तो 2√3 ऊपर आई यार 3 को ले सकते हैं √3 × √3, यहाँ ले सकते हैं एगो रूट तीन से रूट तीन समाप्त हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √3, तो भाई दोनों तो वही चीज है, तो एगो ये हो जाएगा एगो 2/√3, यही हो गया इसका आंसर वास्तविक और समान के लिए, यही होगा। अरे भाई मूल का फॉर्मूला क्या होता है आपसे बताइए, -b + √√bx² - 4ac/2a। सुन भाई जब एक का मान हो गया 0, b² - 4ac का मान क्या हो गया 0, हुआ कि नहीं हुआ, तो 0 रखेंगे तो क्या बचेगा -b/2a ना बचेगा, और दो बार लिखेंगे -b/2a - b/2a। यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है या वास्तविक और बराबर है तो मूल जो होगा वो क्या होगा, मूल -b/2a होगा, मूल -b/2a होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप यहां से बनाने लो भाई, यही से बनाएगा तो यह जीरो देगा, जीरो देगा, देगा कि देगा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, ले स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरे भाई ले लिया, चलो आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 3 देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे, वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग समझ रहे हैं बात को, छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं। चलिए भाई साहब, ए बराबर 2, बी बराबर -6 और सी बराबर 3, तो विवेचक निकाल लिया जाए, विवेचक को हम लोग डी से भी सूचित करते हैं, क्या होता है b² - 4ac, b² बी के जगह पे -6 का स्क्वायर -4 × a = 2 और c = 3। बात ये सब समझ में आया कि नहीं है, मूलों की प्रकृति जहां कहेगा अगर b² - 4ac सबसे पहले निकालेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक और समान होगा या वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है। अगर
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम जब निकाल रहे हैं द्विघात समीकरण का, ठीक है, विवेचन निकाल रहे हैं, अगर आंसर धनात्मक आ गया, धनात्मक मतलब एक दो तीन चार पाँच छः कुछ भी आपके पास भारतीय बन का बुक है ना भाई, बना लीजिएगा उससे, ठीक है, उससे बना लीजिएगा थ्री ए और थ्री बी, ठीक है, थ्री ए थ्री बी बना लीजिएगा, थ्री ए हाँ थ्री ए थ्री बी, ठीक है, थ्री ए में तो खाली सिर्फ गुणनखंड निकालना पड़ेगा इसके मान, थ्री बी में आपको ये सब आएगा, ठीक है, बी एस का हमारे थोड़े से निकालेंगे तो बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम भारतीय भवन से बना के भेजेंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर हमने भारतीय भवन बनाया था, जैसे बहुपद बनाया भारतीय भवन और टू सी बना, टू ए बनाया है, दो चार वाले रखी समीकरण टू ए, ठीक है, उसको बनाया है, और आपको वास्तविक संख्या का बनाया है भारतीय भवन से, यूट्यूब पे है, आपको देख सकते हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, तो माइनस छः का स्क्वायर क्या होगा, माइनस छः गुना माइनस छः, तो छः एक छत्तीस, चार दूना आठ, आठ तरी चौबीस, छत्तीस में से चौबीस गया बारह, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान कितना आ गया बारह। मूल निकाला जाए, आइए मूलों का अस्तित्व है, लिख सकते हैं मूल वास्तविक और भिन्न है, मूल जो है मूल वास्तविक, एनसीईआरटी के अनुसार भारतीय वन के अनुसार मूल वास्तविक और असमान है, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, वास्तविक और असमान, असमान लिख दीजिए या यहाँ पे भिन्न लिख दीजिए, ठीक है। अरे भाई यही लिखना दो, ठीक है, कौन है क्यों लिखेगा, ठीक है। तो जब ये है तो मूल आपको लोगों को निकालना एकदम अनिवार्य है, मूल का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा में टू ए। तो आइए पहले तो हम एक लेकर चलते हैं, बाद में प्लस और माइनस अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत पढ़े ना अभी तक ये आप लोग टू ए क्या चार दशमलव तीन में पढ़े हैं, चार दशमलव दो में भी पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, चलिए आगे चार दशमलव तीन में पढ़े हैं, माइनस में बी, बी के मान कितना है भाई, बी के मान, बी के मान माइनस छः, तो माइनस छः प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के मान कितना निकाले हम लोग बारह, बटा में दो गुना ए, ए के मान कितना है भाई दो, ए के मान हो गया दो, सॉल्व किया जाए इसको, माइनस माइनस प्लस छः, प्लस माइनस हम लोग लिखवे करेंगे, बारह को गुणन खंडन कीजिए, बारह का दो से छः दो से तीन, यानी दो रूट तीन, दो रूट तीन, हम इसको बारह का लिख सकते हैं, दो रूट तीन वर्गमूल दो रूट तीन, बटा में दो दुना दो दुना दो दुना चार, यहाँ सॉल्व करें इसको छ। अच्छा सुनिए, देखिए तो थोड़ा ध्यान से, देखिए थोड़ा ध्यान से, दो यहाँ भी कॉमन निकल सकता है, दो से ये भी भाग लग सकता है, दो से ये भी भाग लग सकता है, और दो से ये भी भाग लग सकता है, लग सकता है, लग सकता है, ये दो कॉमन निकाल दो उसमें से, दो निकालेंगे तो दो से दो तिहाई छ तीन, प्लस माइनस रहने दीजिए, और ये भी दो बाहर निकल गया यानी कि रूट तीन, अब बटा में कितना हो गया चार, ये दो से दो दुना चार कटेगा तो आ गया तीन प्लस माइनस रूट अंडर तीन बटा में दो। अब क्या इसको दो भाग में लिख दिया जाए, आइए अब कुछ नहीं है, अब दो भाग में लिख सकते हैं, तीन प्लस रूट तीन बटा दो, एगो तीन माइनस रूट तीन बटा दो, अरे भाई एगो प्लस है तो प्लस ले लिए, माइनस है तो माइनस ले लिए, यही आप अलग कर सकते थे ना, यही आप अलग कर लेते, वो प्लस ले लेते चिन्ह को माइनस लेते, अलग अलग बनाते थे, लेकिन ये भी बनाए सही है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आया समझ में, समझ में आया पक्का, पक्का समझ में आ गया, ये सब सवाल पीछे बना चुके हैं इस विधि से, देख क्या ये सब पूरा एकदम इजीली, सिर्फ नया यहाँ यही बात था कि मूलों की प्रकृति निकालना था, वास्तविक और समान है या वास्तविक और असमान है या वास्तविक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो पे चले, चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसको, चलिए वीडियो का लेंथ भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन नंबर दो बना के ही समाप्त करेंगे, और तीन चार पांच एक ही वीडियो में चलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग निकाल लेंगे, आप लोग पास एनसीईआरटी का बुक है ना भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक क्या कहा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो, भाई मूल बराबर देखिए दो मूल बराबर यही ना होगा, बी एस माइनस वन बराबर जीरो होना चाहिए, जब मूल बराबर है तो क्या होना चाहिए, मूलों की प्रकृति क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बराबर जीरो होना चाहिए। आइए आइए देखिए, पहला सवाल दे दिया, सवाल उन्होंने लिख रहे हैं, लिख रहे हैं दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, ठीक है। और दूसरा सवाल आपको दे दिया के एक्स इंटू एक्स माइनस टू, दूसरा सवाल दे दिया के एक्स इंटू एक्स माइनस टू
एक्स माइनस टू प्लस में सिक्स बराबर जीरो। चलिए क्या कहा है, दो मूल बराबर, जब दो मूल बराबर है तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होना चाहिए ना। लिखेंगे द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर है, ये तो किताबें दिया है, अर्थात बी मूल जो है, अर्थात मूल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो है, दोनों में यही बात ले देंगे, ठीक है। चलिए तो आइए बी स्क्वायर माइनस फोर से निकाला जाए, ए बराबर क्या होगा दू, बी बराबर क्या होगा के, और सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा तीन, तीन होगा। एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसको ए मानेंगे, एक्स के साथ रहेगा उसको बी मानेंगे, मतलब साथ कहते हैं लेकिन होता है गुणांक, अचर पद को सी मानेंगे। तो हमारा बी एस को निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, बी स्क्वायर बी के मान क्या है के स्क्वायर, माइनस चार गुना ए, ए के मान क्या है दो, गुना सी के मान क्या है तीन, बराबर में शून्य। ये हो जाएगा आपका या का चिन्ह दे दीजिए, के स्क्वायर माइनस चार गुना थ्री चौबीस बराबर शून्य, तो के स्क्वायर बराबर चौबीस ना है तो के बराबर आपका औसरी, तो माइनस चौबीस बराबर में जाके प्लस चौबीस, बराबर के बाद जाके प्लस चौबीस, अरे माइनस चौबीस बराबर के बाद जाएगा तो प्लस चौबीस होगा कि ना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको के बराबर, अब स्क्वायर को उधर चलिए, अब पहले हम माइनस चौबीस को उधर ले गए थे, अब स्क्वायर को उधर चलिए, तो के के बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर चौबीस, चौबीस का मतलब कितना हो जाएगा दो रूट छः, दो रूट छः, दो रूट छः, तो एक हो जाएगा आपका के बराबर दो रूट छः, एगो माइनस में दो रूट छ, यही निकला, ठीक है। आगे इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये भी बात यही लिख देंगे बराबर, तो इसमें तो पहले गुना करना पड़ेगा भाई, आइए गुना कर लेते हैं, के एक्स एक्स में करेंगे के एक्स स्क्वायर, के एक्स से दो में करेंगे तो माइनस दो के एक्स अपलस छ बराबर शून्य, यही ना होगा, के एक्स से एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ गया, के एक्स से माइनस दो में तो माइनस दो के एक्स आ गया प्लस में छ, ठीक है। चलो अब आइए, ये तो इसमें का था, यही लाइन जो है इसमें लिखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल समान है या दो मूल बराबर है तो मूल जो होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर जीरो होगा, ठीक है। तो आइए तो हम लोग ए बराबर क्या लिख दे, एक्स स्क्वायर साथ क्या होगा के, बी बराबर क्या लिख दे एक्स के साथ क्या है माइनस दो के, और अचर पद क्या है सी बराबर छ, यही ना है। आइए तो हम लिख, हम लोगों को लिखना चाहिए क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, यानी कि जब मूल दो मूल बराबर हैं तो मूल जो होंगे वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होंगे, यदि दो मूल समान हैं या दो मूल बराबर है तो मूल जो होंगे वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर हो जीरो होंगे। न समझ में आ रहा बात को, समझ में आ गया, बी स्क्वायर मतलब माइनस दो के का होल स्क्वायर, माइनस चार गुना ए, ए के मान के, के गुना सी के मान छ बराबर में जीरो, आइए दो का स्क्वायर चार और ये के स्क्वायर, अब माइनस में चार छक चौबीस के बराबर में जीरो। और एक मिनट बुझे, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, चार से दोनों भाग लगा तो चार तो कॉमन आ जाना चाहिए, इसमें के स्क्वायर इसमें के है तो के कॉमन ले लें, चलिए के कॉमन ले लेते हैं, चार से चार के से के स्क्वायर भाग देंगे तो वो के आ जाएगा, माइनस चार से चार छह चौबीस के से के खत्म बराबर जीरो, या तो चार के बराबर जीरो या तो के माइनस छ बराबर जीरो, या तो इस चार के बराबर जीरो या के माइनस छ बराबर जीरो, या चार के बराबर जीरो तो के बराबर क्या जाएगा जीरो, के बराबर जीरो और एगो के माइनस छ बराबर में जाके प्लस छ, एगो हो जाएगा जीरो एगो हो जाएगा छ, के का मान जो होगा सो, ठीक है। चलिए एक बार आंसर मिला लिया जाए और रुक जाइए, एक बार आंसर मिला लिया जाए, आप लोग रुक जाएंगे तो थोड़ा देर रुक जाएंगे, जो के का मान आया है वो छ आया है, एगो दो रूट छ आया है, चलिए प्लस माइनस। चलिए अब ये आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए यही समाप्त करते हैं, तीन क्वेश्चन नंबर तीन चार पाँच जो है कि वीडियो में आ जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन अभी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक है तो देख लीजिए और नहीं लिंक है तो दो दिन का वेट कीजिए, ठीक है।
और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्लास टेंथ के स्टूडेंट साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, सभी विद्यार्थी को इसका लाभ हो सके, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है या कोई और विषय चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास टेंथ के प्रत्येक विषय का, प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है। अभी सितंबर है, हम बोले हैं आप लोगों से, वादा किए हैं कि 15 नवंबर तक के प्रत्येक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, और एक चैप्टर से जो है चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, या हिंदी का हो, संस्कृत का हो, भूगोल का हो, इतिहास का हो, गणित का हो, भौतिकी का हो, रसायन शास्त्र का हो, सभी का अभी तक चार चार पाँच पाँच चैप्टर हो चुका है, ठीक है। और एक चैप्टर से 40 से 50 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, 30 से 40 क्वेश्चन निकालना है, आप लोगों को गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग प्रॉपर कॉपी से नोट्स बनाइए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में लिखा होगा गणित ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, रसायन संस्कृत ऑब्जेक्टिव, उसको देखिए। और प्रत्येक लेक्चर में हम 1 से 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग वो क्वेश्चन का जवाब देंगे तो अगले वीडियो में हम सभी बच्चों का नाम भी लेते हैं और उसको सैल्यूट भी करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को अब, ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, इसका रिवीजन कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। और प्लीज क्या करना है आप लोगों को, प्लेलिस्ट में जाकर के ऑब्जेक्टिव जरूर देखना है, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, समझे, क्योंकि दुगुना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, इसलिए हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको देखिए और ना उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।